My name is Nikhila. I'm a dental student. My information about Islam is really less. Whatever I know is because of my friends. My question is, I've read this poster. They say that music and dance is like not accepted in Islam. Why is that? I mean, you cannot say it's generally also you can, you know, listen to music or singing or dance or whatever. You cannot just say like only for Bharatanatyam or for any form of dance you have music. In general music also we have you when you praise God, when you show your emotions. Why is it said that music and dance is not... Moses dosto, main hoon Ali Hassan aur aap dekh rahe hain mera YouTube channel. नाज़रीन मोहतरम, जदीद दौर में मौसीकी इंसानी जिंदगी पर बहुत हद तक असरअंदाज होने वाली चीज है। दुनिया के हर मुल्क में हर जुबान में गाने गाए जाते हैं जिसे सुनकर मकामी लोग महसूस होते हैं। मौसीकी या गाने की बुनियाद कुछ भी हो सकती है, इसमें मसबी या वतनी अशार भी गाए जाते हैं, लेकिन इस्लाम में मौसीकी और इससे जुड़े आलात से मुसलमानों को दूर रहने की हिदायत दी गई है। कुरान मजीद में मौसीकी सुनने से और इस तरह से जुड़ी चीज़ों को गुमराही का समान करार दिया गया है। इस्लाम के बेशतर उल्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो मौसीकी जिसमें शिरकिया या गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो कतन हराम है, और इसके साथ ही बाज़ उल्मा मौसीकी को साज और डफ के साथ जायज मानते हैं, लेकिन कई उल्मा का इसमें भी इखलाफ है। आज की हमारी वीडियो इसी बात के मुतल्लिक है। आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में मौसीकी की सही वक़्त जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी बिना पर एक हिंदू लड़की ने डॉक्टर ज़ाकिर नायक से सवाल किया। इसका कहना था कि मैं मेडिकल की तालबा हूँ और इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात रखती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त मुसलमान हैं। इस लड़की का सवाल था कि मुझे बताया गया है कि इस्लाम में मौसीकी और रक्स हराम है और इसे बहुत नापसंद किया जाता है, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ मौसीकी ही मौसीकी है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां मौसीकी ना हो। कोई चाहे ना चाहे मौसीकी इसके कानों में पड़ जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर ज़ाकिर नायक माइक की तरफ बढ़े और कहा कि सबसे पहले मौसीकी के बारे में बात करूँगा, फिर रक्स की बात करूँगा। जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक मौजूद है कि दफ के सिवा मौसीकी के तमाम आलात हराम हैं। अगर आप तज़िया करें, गाने वगैरह इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करते हैं और इनमें कसरत से झूठ बोला जाता है। अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं जो हकीकत में नामुमकिन है। कोई कहता है कि मैं अपने महबूब के लिए चांद तोड़ लाऊंगा। अब आप बताएं ये किस हद तक मुमकिन है? ये नामुमकिन है, लेकिन हम इसे बार बार दोहराते हैं और सुनते हैं। हमारा मानना यह है कि यह एक इंसान के दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार है, इसलिए दफ के अलावा तमाम आलात मौसीकी हराम करार दिए गए हैं। लेकिन आवाज और सुरों पर भी यही कानून लागू होते हैं। अगर कोई कारी अच्छी आवाज में कुरान की तिलावत करता है तो ये जायज है। इससे इंसान में अल्लाह की याद पैदा होती है, और जिन आयात में अल्लाह ने बुरे कामों से रुकने रहने का कहा है, इन आयात को सुनकर दिल में खौफ पैदा होता है। अगर अल्लाह की तारीफ में कोई इशार पढ़े जाएं तो बिल्कुल इजाजत है। आप दफ के साथ भी पढ़ सकते हैं, ये बात बिल्कुल जायज है, लेकिन अपनी आवाज अच्छी होने की वजह से आप गाने नहीं गा सकते, इसकी कोई इजाजत नहीं। अब बात करें रक्स की। रक्स करने के बारे में कोई वाज़ेह हदीस या आयत मौजूद नहीं, लेकिन रक्स करने से बेहाई फैलती है। जब दो मुख्तलिफ जींस के लोग एक साथ क्लबों और पार्टियों में रक्स करते हैं तो बेहाई इन्हें घेर लेती है। हिजाब और पर्दे का कोई लिहाज नहीं रहता। कम अज कम इस गैर इखलाकी तर्ज की तो किसी मजहब में भी इजाजत नहीं कि औरत या मर्द अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा खोल कर लोगों को दिखाएं। आज इंटरनेट का दौर है और आपके रक्स की वीडियो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है। ये जहनों पर भी असरअंदाज होती है। रक्स के नुकसान मौसीकी से कई ज्यादा हैं। इसके अलावा कई पार्टीज में मर्द और औरत का एक जोड़ा बनाया जाता है। इनमें कुछ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं और कुछ अनजान। अब आप इस चीज को पसंद करती हैं कि आपका शोहर या बीवी किसी गैर के साथ रक्स करें? हरगिज नहीं, कोई इसे पसंद नहीं करता, ख्वाह वो किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता हो। मियां बीवी अगर अकेले हों, इन्हें इस्लामी शरीयत की हदूद में रहते हुए हर चीज की इजाजत है, वो आपस में रक्स करें चाहे वो मर्जी करें। हाँ, इन्हें लोगों को दिखाने की इजाजत नहीं। इसके अलावा रक्स में अक्सर ख्वातीन अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। नामहरम लोग इन्हें देखकर बुरे ख्यालात में मुब्तला होते हैं और बिलाखिर इन्हें गलत कार्यों की तरफ उभारता है। ये अमल पूरे माशरे पर असरअंदाज होता है। हिजाब और पर्दे की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसीलिए मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग और तमाम ऐसी चीजें इस्लाम में कतन हराम है और गैर शरी है।
डॉक्टर जाकिर नायक ने इस लड़की से कहा कि इस्लाम में औरतों को तहफ्फुज़ फराहम करने की तलकीन की गई है, इन्हें बाजारों की रौनक और नुमाइश बनाने का नहीं कहा गया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि आप औरतों से मुतल्लिक और इनके हकूक से मुतल्लिक मेरी वीडियोस देख सकती हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।